ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात के 12:13 हो रहे हैं और गुड मॉर्निंग हो चुका है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था क्या एक कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम मेनू पे काम करेंगे, वर्ड फ्रेज के मेनू पे। ठीक है, तो विदाउट टेंशन बिंदास होके पढ़ते रहिए, मजे से पढ़िए और बिंदास रहिए। चलते हैं। एक बात और, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं। लोकल होस्ट, वर्डप्रेस, और जैसे इस पे क्लिक करोगे और ये हमारा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अपीयरेंस में आएंगे, अपीयरेंस में जब ऐसे आएंगे तो हमें यहाँ पर से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। थीम, कस्टमाइज, विडगेट्स, मेनू। तो मेनू पे जैसे क्रिएट करेंगे तो दोस्तों देखिए, मेनू 3 तरीके से बनाई जा सकती है। एक तो पेज के थ्रू, मैंने पहले जब पेज बना रहा था तो बताया था। दूसरा लिंक के थ्रू, और तीसरा कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, तो लिंक के थ्रू पहले देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक इसे यहाँ www.youtube.com और आपने दे दिया यहाँ YouTube। पहले देखिए ये एड मेनू, देखिए YouTube आप आपका आ गया। अब इसको आप यहाँ से लोकल होस्ट वर्डप्रेस जैसे क्लिक करोगे। ओके, ये शो नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, क्यों नहीं शो कर रहा है, अभी देख लेंगे हम लोग। और दूसरा कैटेगरी के थ्रू, तो हमने देखिए वी ऑल कैटेगरी करेंगे। सर्च संजय नाम की एक कैटेगरी बनाई थी, नहीं है तो एक कैटेगरी। हम पेज पे जाएंगे, सॉरी पोस्ट पे जाएंगे और कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। लीव दिस पेज, और यहाँ पे हमने कोई कैटेगरी नहीं, तो फिर संजय नाम की एक कैटेगरी बनाएंगे। स्लग स्लग को आप यहाँ छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यूआरएल फ्रेंडली से मतलब ये होता है कि जो आपके कोई भी चीज़ आपके यूआरएल से मैच करती हो, या मतलब उसके साथ फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, पेरेंट्स कुछ भी नहीं, अनकैटेगराइज कुछ भी नहीं देंगे, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं देंगे, और एड न्यू कर देंगे। हमारे पास दोस्तों एक कैटेगरी आई, बन के आई जो संजय नाम की। ठीक है, और अब अपने अपीयरेंस में जाएंगे और मेनू पे जाएंगे और कैटेगरी थ्रू एक मेनू वी ऑल, देखिए संजय नाम की कैटेगरी यहाँ पर आ गई। अब इसको हम एड मेनू कर देंगे। अब देखिए हमारे पास एक संजय नाम का आ गया, अबाउट अस आ गया, कॉन्टेक्ट अस आ गया। ठीक, और ये लिंक कहाँ चली गई है, इसको भी आना चाहिए था ना। ठीक, ये कस्टम हो गया, कैटेगरी हो गया, पेज हो गया, कैटेगरी हो गया। कस्टम में ये अर्थ है कि जैसे होम है हमारा कस्टम है, कि यूट्यूब भी है, ये हमारा कस्टम ही होगा, इजली शो नहीं करेगा। आइए, और सबसे पहले हम क्रिएट एक मेनू करते हैं। अब मैंने दिखा दिया कि दो में जैसे मेनू बनते हैं, आपको हम क्रिएट करते हैं। हम करेंगे पहले सब्जेक्ट टॉप मेनू, अब इन्होंने कहा टॉप मेनू में आपके कौन कौन से चाहिए। पहले तो कस्टम वाले को हम छोड़ के ये जितने हमने पेज क्रिएट हमने किया है उसको रिमूव करेंगे। रिमूव, ठीक, और अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइमरी, और ये दोनों सेलेक्ट करेंगे। और लिंक से या होम पेज एक और बना सकते थे, या नहीं बनाना चाहिए तो मत बनाइए, यूट्यूब कर देंगे एड मेनू।
फिर पीएच वाले मेनू को ऐड मेनू कर देंगे हम, और कैटेगरी से जो बनाए रहेंगे हम संजय, इसको भी ऐड मेनू कर देंगे। अब क्या कर देंगे, सेम मेनू कर देंगे। हाँ देखिए, हमारा जैसे ही YouTube पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से सीधे YouTube पे पहुँच जाओगे। मतलब मैं आपको बता दिया, ठीक। देखिए कैसे क्रिएट किया हमने, ठीक। पहले हमने दो पेज क्रिएट कर रखे थे, पेज के थ्रू अबाउट अस, यहाँ दिखा हुआ आपको पेज। तो हमारे पास जितने पेज रहेंगे, जितने पेज आप क्रिएट करेंगे, वहाँ यहाँ शो करेगा। मान लीजिए मैंने एक और पेज क्रिएट कर लिया, और एड न्यू, और यहाँ पे हमने सर्विसेज सेक्शन नाम का पेज क्रिएट कर लिया और इसे पब्लिश कर दिया। अब इस सर्विसेज नाम के पेज को हम चाहते हैं हमारा जो मेनू है, तो पहले ही डिफ़ॉल्ट भी आ गया होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ। लेकिन हम चाहते हैं ये हो ही चुका है डिफ़ॉल्ट, हमारे मेनू में ऐड हो चुका है। अब जितने भी पेज क्रिएट करेंगे वो सीधे इसमें ऐड होता रहेगा, ठीक, ऐड होता रहेगा, ठीक है। और लिंक वालों को भी ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आप सब कुछ यहाँ पर जितने भी पेज डिलीट करके एक टॉप मेनू अपना मेनू क्रिएट करिएगा। उसके बाद जितने भी पेज क्रिएट करेंगे और जो ऐड मेनू जितने लिंक के थ्रू करना है, ऐड कैटेगरी के थ्रू करना है, सारे सॉरी रात हो चुकी है तो मुझे नींद से आ रही है, तो क्रिएट करते रहेंगे, ठीक। तो अब देखिए इसको होम हमें मैनेज करना है। तो ये हमारा मेनू होता है ना, ड्रैगेबल होता है। तो होम से पहले देखिए ये वाली चीज़ जो है ना, जो डॉटेड लाइन आनी है चाहिए, वो जब आ जाए तभी छोड़िएगा। अगर ये डॉटेड लाइन यहाँ पे आएंगे तो इसकी सब कैटेगरी बन जाएगी, ठीक। ऐसे क्लिक करिए, यूट्यूब, फिर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, समझ, ठीक। और ये हमारे कॉन्टेक्टर्स। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ सब मेनू हो, तो हमारे सर्विसेज के सब मेनू हो जाएं। यहाँ जैसे करेंगे ना, तो डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक आ गई है। तो यहाँ आप जैसे छोड़ेंगे तो यहाँ से सब मेनू हो जाएगा यूट्यूब, ये इसका सब मेनू हो गया, ठीक। अगर इसको भी करना चाहते हो तो इसका भी हो जाएगा। यहाँ सब मेनू का सब मेनू करना चाहते हो तो ये यहाँ से हो जाएगा। यहाँ जैसे ही छोड़ोगे ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में मेनू कैसे क्रिएट करते हैं समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू।